आपके सामने जिस वक्त चार चीजें नजर आ रही हैं आपको, एक तो है ये नीचे आप गेहूं देखें तो इसमें हमने सिर्फ चर्बी डाली हुई है, ये नीचे चर्बी इसको डाल के रख ली है, और ये हमने दो हड्डियां डाली हैं, दो से तीन हड्डियां डाली हैं ताकि इनका जूस भी हमें चाहिए होगा। तो कई दफा लोग हड्डियों को इस्तेमाल नहीं करते लेकिन हम हड्डियां भी यूज कर रहे हैं, और ये चर्बी है, चर्बी हम नीचे इसको बेड की तरह बिछा ली है बिल्कुल। इसके बाद हमारे पास आलू हैं बिल्कुल धुले हुए और साफ सुथरे धो के हमने रखे हुए हैं। हमारे पास साबुत प्याज है, इसके अलावा नीचे आपको नजर आ रहा होगा ये गोश्त पड़ा हुआ है, तो ये हमने धो के इसको ऐसा गोश्त लिया है जिसका थोड़ी थोड़ी चर्बी हो और अच्छा गोश्त है। इसके बाद ये हमने टमाटर लिए हैं साबुत, नीचे इसके साबुत लहसुन है और साबुत मिर्च है, ये अदरक है, और उसके बाद यूज होगा सिर्फ और सिर्फ नमक। ठीक है जी, ये हमारी टोटल रेसिपी का टोटल बेस है। हम अभी इसको यूज करते हैं। हमने इसमें सीधा सिंपल इसमें डालना है गोश्त, इसमें गोश्त डालेंगे, गोश्त की एक तह डालेंगे, गोश्त की तह डालने के बाद अब हमने इसमें डालने हैं एक तह लगाएंगे आलू की। साथ ही एक तह साथ लगा देंगे इसके अंदर प्याज की, साथ हमने टमाटर डाल दिए इसके, इसके बाद फिर हमने गोश्त की तह लगाई, दरमियान में थोड़ा सा इसमें हम लहसुन भी डाल दिया, शिमला मिर्च डाल दी, अदरक के पीसेस डाल दिए। ठीक है जी, फिर हमने एक पूरी तह फिर लगाते हैं गोश्त की, गोश्त की तह लगाने के बाद फिर हमने थोड़ा बहुत आलू प्याज की एक तह लगा दी, मिर्चें डाली, लहसुन डाला, टमाटर डाला, लहसुन, फिर अदरक, और फिर इसके फिर एक गोश्त की तह लगा। और गोश्त की तह लगाने के बाद हमने फिर इस पर जो बाकी बचे हुए सामान है तो हमने इसके अंदर डाल दिया, साथ ही साथ आपने इसमें नमक डाल दिया, नमक हम थोड़ा डीप भी कर सकते हैं इसको। ये हमारा डिश तैयार होगी, इसमें हमने एक चीज और डाली है, इसमें हमने काली मिर्च डाल रहे हैं, ठीक है, और साथ क्योंकि इसमें हमने चर्बी थोड़ी सी कम है तो हम इसमें सरसों का तेल डाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई और चीज, कोई और भी ऑयल डाल सकते हैं, हम क्योंकि घर में सरसों का तेल खाते हैं तो हम सरसों का तेल डाल दिए इसमें। ठीक है, और इसके बाद हम सिंपली हम इसके ऊपर इसके ऊपर वजन पर तो हम 2.5 से 3 घंटे यहाँ रख सकते हैं, अगर आपकी मीडियम बिल्कुल लो आप पकाना चाहते हैं तो 3 घंटे में, और वैसे 2.5 घंटे में तैयार हो जाता है। हम इसको अब खोलेंगे 2.5 से 3 घंटे के बाद, ऑलमोस्ट 3 आवर्स के बाद।